उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में बाघ देखे जाने से ग्रामीणों के बीच आतंक का माहौल है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गांव की घेराबंदी कर बाघ पकड़ने की कोशिश अभी भी जारी है। महोबा जनपद के ग्योड़ी गांव में बाघ घुस आने से खास अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 24 घंटे से अधिक वक्त गुजर जाने के बावजूद भी खूंखार बाघ पकड़ने में प्रशासन को पूरी तरह से नाकामी हाथ लगी। बाघ को लेकर ग्रामीण जनता के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चे से लेकर गांव में रहने वाले बुजुर्ग भी अपने घरों से निकलने में कतराते नजर आ रहे हैं। स्कूल के परिसर पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, तो वहीं पुलिस और वन विभाग की टीमें अभी भी बाघ को खोज निकालने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। खेत की बुवाई हो गई, इसलिए पक्षी साफ नहीं आ रहे हैं, तो कैसे बगैर देखे कहा जा सके कि कौन सा जानवर है। अब टीम आ रही है, जाल आ रहा है, अगर ये कोई चीता लकड़ वग्गा जो भी होगा उसको पकड़ा जाएगा। और वन विभाग की पूरी महोबा की टीम और हमीरपुर की टीमें दोनों लगी हुई हैं, मौके पर हैं। ये कब आया था आपको? कब? ये ग्राम वासियों द्वारा ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल वालों ने रात के बता रहे हैं कि 9 बजे आया। सुबह कोई किसान गया है ये लकड़ी काटने के लिए, तो उसको बड़ी तेजी से गुर्रा कर दौड़ा है, तब वो भग के आया है, तो और लोगों से बताया तो और लोग नजदीक गए तो उनको भी बड़ी जोर से गुर्रा आया तो भग के खड़े हुए। आप यहाँ कितने टाइम से हैं? यहाँ पे अभी यहाँ दो बजे टीम आ चुकी थी। तब से आपने देखा है? और नहीं, अभी हाल बता रहे हैं कि यहाँ से इधर से छिप करके उधर गया तो कुछ लोगों द्वारा देखा गया है, बल्कि हमारे द्वारा नहीं देखा। क्या देखा गया? अब उसमें दूर से पहचान तो नहीं पा रहा है कि कौन सा है, तो कोई चीता बता रहा है, कोई जो तेंदुआ बता रहा है।